हेलो एवरीवन आज हम बनाने जा रहे हैं थ्री फ्लावर उसको बनाने के लिए हमें वैक्स और बैंडेज और रिज़िन और प्लाईवुड वुड चाहिए उसको अच्छे से रिज़िन को डालेंगे डिज़ाइन के ऊपर डालने के बाद उसको कलर देंगे जहाँ जहाँ आपको कलर पसंद हो वहाँ वहाँ कलर दे सकते हैं देने के बाद उसको फिनिशिंग करने के लिए इसको मजबूती करने के लिए हम फिंगर से रिजिंग को अच्छे से साइड में डालेंगे साइड में डालने से उसकी मजबूती बढ़ जाएगी और फिंगर से देने का मतलब ये है कि वो मजबूत और अच्छे टेक्स्चर आएंगे अच्छे डिज़ाइन आएंगे हैंड क्राफ्ट का यही मतलब होता है कि वो डिज़ाइन अच्छा सा है हैंड ब्रश व्ररश से देने से कोई फ़ायदा नहीं है हाथ से ही दे देंगे तो अच्छा रहेगा और उसमें कलर डाल देंगे रीजन के अंदर कि कलर दूसरे कलर हम डालेंगे तो ब्रश से डालेंगे तो कलर कभी भी जा सकता है लेकिन रीजन के अंदर कलर नहीं जाएगा इसलिए मैंने रीजन के साथ मैंने कलर डाल दिया है और फिंगर से जहाँ जहाँ कलर नहीं हुआ जहाँ जहाँ रीजन नहीं हुआ वहाँ वहाँ लगा देंगे लगाने के बाद हमें अच्छे से चेक कर लेना होगा फिर उसके बाद अच्छे फिनिशिंग के लिए पॉलिश कर देंगे पॉलिश के साथ साथ तो ब्रश से मैंने जो ब्रांच है वो ग्रीन कर दिया है कर दिया उसके बाद जो नीचे ग्रीन कलर का लीफ और ब्रांच पॉलिश कर कलर कर रहा और उसके बाद नीचे में है मैंने उसको पॉट को वाइट से भी कर दिया अच्छा डिज़ाइन बना दिया कुछ अपने दिमाग से भी अपने डिज़ाइन उसमें कर सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अच्छे से डिज़ाइन कर देंगे अच्छे से कलर करेंगे जितने अच्छे कलर होगा जितने अच्छे से पेंट होंगी उतने अच्छे लगेंगे और इससे आपको रूम में चाहिए